वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इंजन में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप के बारे में समझते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि इंजनों में अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों में से एक प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है जिसमें एक ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है। तो आज समझते हैं ऑयल पंप के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक इंजन में लुब्रिकेटिंग सिस्टम में जो ऑयल पंप प्रयोग किया जाता है उसका क्या कार्य होता है। तो इसका जो कार्य होता है ऑयल पंप से एक निश्चित दाब पर ऑयल मेन गैलरी तक तेल को पंप करने के लिए ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इंजन में एक ऑयल सम्प लगा होता है, उस ऑयल सम्प का संबंध इंजन के ऑयल पंप के इनलेट पोर्ट से होता है, और जो ऑयल पंप का जो आउटलेट होता है उसका संबंध इंजन में जो बनी हुई जो मेन गैलरीज होती है उससे होता है। तो ऑयल पंप का कार्य जो है इंजन में लगे हुए जो स्टोर जो ऑयल होता है उसको प्रेशर के साथ लेना और इंजन में बनी हुई जो मेन ऑयल गैलरीज होती है उसको पंप करना, इसका मुख्य कार्य होता है। दूसरी बात करते हैं कि लोकेशन मतलब स्थान कि ये इंजन में जो ऑयल पंप होता है, ये ऑयल पंप इंजन में क्रैंक केस में लगा होता है। इंजन में जो क्रैंक केस होता है उसमें लगा हुआ होता है ऑयल पंप। और ऑयल पंप को जो ड्राइव मिलती है, ऑयल पंप को जो चलाया जाता है वो इंजन की जो कैम शाफ्ट होती है उस इंजन की कैम शाफ्ट के द्वारा ऑयल पंप को ड्राइव दिया जाता है, उसे चलाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑयल पंप का कार्य मेन गैलरी को ऑयल प्रेशर का सप्लाई करना और ऑयल पंप जो है इंजन के क्रैंक केस में इसे फिट किया हुआ होता है, और इस ऑयल पंप को इंजन की जो कैम शाफ्ट होती है उसके द्वारा इसे चलाया जाता है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स होते हैं कि ऑयल पंप को का क्या कार्य होता है, कहाँ इसे फिट किया हुआ होता है और किसके द्वारा इसे ड्राइव मिलती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। और चूंकि आप जानते हैं कि इंजन में अलग अलग इंजनों में अलग अलग प्रकार के ऑयल पंपों का प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से ये ऑयल पंप जो होते हैं चार प्रकार के ऑयल पंप होते हैं। पहला होता है गियर टाइप ऑयल पंप, और दूसरा सेकेंड रोटर टाइप ऑयल पंप, थर्ड होता है प्लंजर टाइप ऑयल पंप, और फोर्थ वेन टाइप ऑयल पंप। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंजनों में अलग अलग प्रकार से ऑयल पंपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ डीजल इंजनों में गियर टाइप ऑयल पंप और रोटर टाइप ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है, कुछ छोटे स्टेशनरी इंजनों में प्लंजर टाइप ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इंजनों में अलग अलग प्रकार के चार प्रकार के ऑयल पंपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ये जो पंप होता है जिसमें गियर्स लगे हुए हैं ये गियर टाइप ऑयल पंप है। तो समझते हैं गियर टाइप ऑयल पंप के बारे में। तो गियर टाइप पंप जो होता है इसमें दो गियरों का प्रयोग किया जाता है, एक ड्राइव गियर और इस ड्राइव गियर का जो संबंध होता है
इस ऑयल पंप की जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट के साथ यह ड्राइव गियर अटैच होता है और इसी के साथ में दूसरा गियर होता है ड्रिवन गियर। ड्रिवन गियर, यह ड्रिवन गियर जो होता है यह ड्राइव गियर ये दूसरे ड्रिवन गियर को घुमाता है, क्योंकि ये गियर दूसरे गियरों के द्वारा ये रोटेट करता है, घूमता है, इसलिए इसे ड्रिवन गियर कहते हैं। इस प्रकार से दोनों गियरों को ऑयल पंप की एक हाउसिंग में फिट कर दिया जाता है और इस हाउसिंग में और गियरों के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो कम होता है। और इस प्रकार से जब इंजन स्टार्ट होता है और इंजन स्टार्ट होने के दौरान जो इंजन की स्पीड होती है और जो कैमशाफ्ट जिस गति में रोटेट करती है उसी के अनुरूप ये उसी के रोटेट के अनुसार यह इसकी भी स्पीड होती है ऑयल पंप की, मतलब जितनी इंजन की स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग ऑयल पंप की भी स्पीड होती है और ऑयल पंप सम्प से ऑयल को खींचता है और मेन गैलरी को सप्लाई करता है उसी इंजन की स्पीड के अनुसार। तो देखते हैं कि किस तरह से कार्य करता है। तो एक हाउसिंग के अंदर जब दोनों गियर रोटेट करते हैं तो जानते हैं कि जो गियर होते हैं ये दोनों गियर एक दूसरे के विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो शाफ्ट के साथ जो गियर अटैच होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जो दूसरा गियर होता है ड्रिवन गियर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और जब दोनों गियर एक हाउसिंग के अंदर में स्पीड के साथ ये रोटेट करते हैं तो हाउसिंग के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम के कारण इनलेट मार्ग से ऑयल सक होता है और जैसे ही ऑयल दोनों गियरों के टीथों के बीच आकर फंस जाता है तो वो गियर उस टीथों के माध्यम से गियर ये अपने अपने रोटेशन के अनुरूप उस ऑयल को साथ में लेते हुए जो ऑयल पंप का जो आउटलेट मार्ग होता है उस साइड ये प्रेशर के साथ फ्लो करता है और इस प्रकार से जो गियर टाइप ऑयल पंप होता है वो सम्प से ऑयल को सक करता है और आगे मेन गैलरी में फ्लो करता है। तो ये इस प्रकार से एक इंजन में लगा हुआ जो गियर टाइप ऑयल पंप होता है ये कार्य करता है। उसी प्रकार से दूसरा ऑयल पंप का एक प्रकार होता है और ये ऑयल पंप कहलाता है रोटर टाइप ऑयल पंप। तो रोटर टाइप ऑयल पंप उस पंप को कहा जाता है जिसमें दो रोटरों का प्रयोग किया जाता है, एक रोटर आउटर रोटर कहलाता है आउटर रोटर और उसी आउटर रोटर के अंदर दूसरा एक रोटर होता है उसे इनर रोटर कहा जाता है और आउटर रोटर और इनर रोटर। तो आउटर रोटर में जो होता है लोब की संख्या 5 होती है और इनर रोटर में लोब की संख्या 4 होती है और जब ये हाउसिंग के अंदर दोनों रोटर उत्केंद्रित रूप से रोटेट करते हैं घूमते हैं तो यहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम क्रिएट होने के दौरान इनलेट मार्ग से ऑयल सक होता है और इन रोटरों के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रोवाइड होता है और वहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का आयतन बढ़ता है और रोटर जैसे ही उसी लुब्रिकेटिंग ऑयल को आउटलेट मार्ग से आगे फ्लो करता है तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो आयतन है वो कम होता है। तो ये इस प्रकार से लुब्रिकेटिंग ऑयल को ये फ्लो करता है रोटर टाइप ऑयल पंप। इस ऑयल पंप का भी प्रयोग इंजनों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसी प्रकार से प्लंजर टाइप ऑयल पंप की बात करते हैं तो जो प्लंजर टाइप ऑयल पंप होता है ये इसमें एक प्लंजर का प्रयोग किया जाता है, प्लंजर का उपयोग किया जाता है और साथ ही इसमें एक नॉन रिटर्न वाल्व प्रयोग किया जाता है। तो ये नॉन रिटर्न वाल्व इसके इनलेट और आउटलेट दोनों मार्ग पर ये लगे हुए होते हैं। तो जब प्लंजर टाइप ऑयल पंप में जब प्लंजर अपवर्ड मोशन करता है उस दौरान सम्प से ऑयल को ये सक करता है और जिस स्थान पर प्लंजर जिस बोर में यह चलता है वहां पर ऑयल को ये फिलअप करता है और जैसे फिलअप हो जाता है और कैम शाफ्ट की जैसे दूसरी रोटेशन होता है और वो कैम वाला हिस्सा प्लंजर को प्रेस करता है तो स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध प्लंजर नीचे की ओर डाउनवर्ड मोशन में यह उस ऑयल को प्रेस करता है। तो उस दौरान क्या होता है कि इनलेट पोर्ट पर लगा हुआ जो नॉन रिटर्न बार वाल्व होता है
वो बंद हो जाता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो दूसरे मार्ग से आउटलेट मार्ग से ये प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है और आउटलेट मार्ग पर जो वाल्व टाइप नॉन रिटर्न वाल्व होता है वो ओपन होता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल आगे की ओर फ्लो होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लंजर टाइप ऑयल पंप होता है ये छोटे डीजल इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं और ये कैम शाफ्ट के साथ ये अटैच होते हैं। तो इस प्रकार से प्लंजर टाइप ऑयल पंप होता है। और चौथा ऑयल पंप का प्रकार होता है वेन टाइप ऑयल पंप। तो ये जो वेन टाइप ऑयल पंप होता है ये इसमें वेन प्रयोग किए जाते हैं और ये असेंट्रिक रूप से घूमते हैं, तो उत्केंद्र रूप से ये चलता है और ये स्प्रिंग लोडेड वेन्स पर जो हाउसिंग वाल है उस पर ये सरकती है और वेन्स द्वारा जो है सक्शन उत्पन्न होता है और जब रोटर ये घूमता है तो उस दौरान इनलेट पोर्ट के माध्यम से तेल को सक किया जाता है और इस प्रकार से आउटलेट मार्ग से ये लुब्रिकेटिंग ऑयल आगे की ओर फ्लो होता है। तो इस प्रकार से ये वेन टाइप ऑयल पंप होता है। तो इस प्रकार से हमने इंजन में अलग अलग प्रकार के इंजनों में चार प्रकार के ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है, गियर टाइप ऑयल पंप, रोटर टाइप ऑयल पंप, वेन टाइप ऑयल पंप और प्लंजर टाइप ऑयल पंप। और चारों पंप इंजन की कैम शाफ्ट से इसे ड्राइव मिलती है और सम्प से ऑयल को एक निश्चित प्रेशर पर ऑयल को ये सक करते हैं और इंजन में जो बनी हुई मेन गैलरीज होती है उसको प्रेशर के साथ ये सप्लाई करना ऑयल पंप का कार्य होता है। और लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन इंजन में ये जो क्रैंकेस होता है उस स्थान पर में फिट कर दिया जाता है और इंजन की कैम शाफ्ट से ड्राइव दी जाती है। और जानते हैं कि प्रैक्टिकली बात करें तो ऑयल पंप की प्रैक्टिकल बात करें तो जो ऑयल पंप होता है उसमें रेडियल क्लियरेंस चेक करना, बैकलेस चेक करना और फ्लैटनेस चेक करना। तो जो रेडियल चेक किया जाता है वो जो पंप की जो हाउसिंग होती है, पंप हाउसिंग और जो गियर होते हैं, ये दोनों गियर टीथ और पंप हाउसिंग के बीच में ये रेडियल क्लियरेंस चेक किया जाता है। तो ये जो रेडियल क्लियरेंस हम चेक करते हैं और रेडियल क्लियरेंस जो चेक करते हैं ये फीलर गेज के माध्यम से ये रेडियल क्लियरेंस हम चेक करते हैं हाउसिंग और गियर टीथ के बीच में। इसी प्रकार से बैकलेस चेक करना, तो बैकलेस जो हम चेक करते हैं वो गियर पंप के दोनों टीथों के बीच में फीलर गेज की सहायता से हम बैकलेस भी चेक करते हैं। और उसी प्रकार से जब हाउसिंग के अंदर में दोनों गियर जब फिट होते हैं तो दोनों गियर हाउसिंग के फ्लैट बराबर पोजीशन में होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेट एज और फिलर गेज की सहायता से ऑयल पंप की फ्लैटनेस भी हम चेक करते हैं। और उसी प्रकार से रोटर टाइप ऑयल पंप की फ्लैटनेस चेक करते हैं, ये प्रैक्टिकली बात होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज इंजन में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप के बारे में। और जो ऑयल पंप होता है ये एक सिस्टम होता है प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, उस प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है और ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है, मतलब इंजन के अंदर बहुत अच्छी तरह से लुब्रिकेशन होता है क्योंकि प्रेशर के साथ में इंजन के जितने भी मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी मूवेबल कंपोनेंट्स तक लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाने में सक्षम है। इसलिए ज़्यादातर गियर टाइप ऑयल पंप और रोटर टाइप ऑयल पंप का ही ज़्यादातर प्रयोग इस सिस्टम में किया जाता है। ओके, थैंक यू।